हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम ऑन एसएससी पांडा। आज हम डीएमआरसी की एक पोस्ट कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट, उस पोस्ट के बारे में आपको उसकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। डीएमआरसी ने अभी एडवर्टाइजमेंट जो जनवरी 2019 के अंदर जो निकाला था, उसमें कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट की 388 वैकेंसीज थी। इसके अंदर उसने 1:8 के रेशियो के अंदर कैंडिडेट पास किए हैं। अब 1:8 जो कैंडिडेट जो पास हुए हैं, वो नेक्स्ट स्टेज जो कि साइकोलॉजिकल स्टेज है, उसके अंदर अपीयर होंगे। जो भी कैंडिडेट साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल स्टेज को पार करता है, उसका ऑलमोस्ट सेलेक्शन डन है। अब मैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके अंदर 3 और 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स रहेगा, और प्लस के अंदर आपकी एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर सर्टिफिकेट। मैं उन दोस्तों को बताना चाहूँगा जिनके पास बीटेक की डिग्री है और उनके पास कोई अलग से कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, उनके डाउट रहेंगे कि क्या हमें भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं उन सबको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि बीटेक के किसी न किसी सेमेस्टर के अंदर आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, और वो जो भी सेमेस्टर है, आप उस सेमेस्टर का फोटोकॉपी उनको सबमिट कर देंगे तो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो A1 स्टैंडर्ड होता है। मैं इस चीज़ को फिर से बताना चाहूँगा, जो A1 स्टैंडर्ड है, ये कुछ एक स्टैंडर्ड है जो मेट्रो रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए बने हुए हैं। A1 जो स्टैंडर्ड है वो वन ऑफ द टफेस्ट स्टैंडर्ड है। अगर आपको इस स्टैंडर्ड के बारे में अगर आपको पूछना है तो मैं इसके लिए एक वीडियो डाल दूंगा अलग से। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस चैनल के अंदर मैं कोई भी सेंसेशनल की मेरे को पॉपुलैरिटी मिल जाए, ऐसे मैं कोई भी चीज़ें नहीं डालने वाला। ये चैनल बिल्कुल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट माई लाइफ और जो रियलिटी है, मैं वही चीज़ दिखाऊँगा। हो सकता है वो बोरिंग हो, लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो DMRC की जो वेबसाइट है dillimetrorail.com, इसके ऊपर आपको लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी वो आपको मिल सकती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सैलरी स्ट्रक्चर, अब बातें हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर एक बात बता दें कि DMRC वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सैलरी के मामले में। इतनी हैंडसम सैलरी देती है अपने एम्प्लॉय को, शायद ही कोई PSU देता होगा। मैं बेसिक की बात करूँ कि 35,000 से 1,10,000 का जो इसका बेसिक पे बैंड है, इसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल डेयरेंस अलाउंस है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डेयरेंस अलाउंस है, उसी के इक्विलेंट है ये। वो 17.2% है, अभी प्रजेंट जो रेट है वो 17.2% है। एमोलमेंट्स और पक्स की बात करें तो 33%। ये जो पक्स हैं, इसी की वजह से DMRC की जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। नियरली आपको 10 से 12 हज़ार का जो पर मंथ है वो एडिशनल मिलते हैं। ये जो 12 हज़ार है वो इसके कारण जो सैलरी है इनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी बेसिक पे बैंड होता है वो 3,400 ग्रेड पे का 35,400 होता है, इसके अंदर 35,000 होता है, लेकिन उनके अंदर ये मिसिंग होता है, एमलमेंट्स नहीं होते। यहाँ एमलमेंट्स होते हैं, इसी की वजह से इनकी सैलरी ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ 33% और 17% 50% हो गया, तो नियरली आपको 50% बेसिक का 50% आपको ज़्यादा मिलता है। अब दूसरी बात मैं बात करूँ कि जीएच गजटेड हॉलीडे है। जब जनवरी के अंदर जब कैलेंडर आता है DMRC का, तो उसके अंदर कुछ एक जो डेट हैं और कुछ एक उनको गजटेड हॉलीडे डिक्लेयर करती है DMRC, उसी दिन, क्योंकि DMRC एक असेंशियल सर्विसेज में आता है, इसकी सर्विसेज सस्पेंड नहीं हो सकती, तो उन दिनों भी चाहिए आपकी होली हो, दिवाली हो, तो DMRC का ऑपरेशन चालू रहता है उन दिनों। इनको ह्यूमन रिसोर्सेज और स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो इस स्टाफ के लिए जो भी ड्यूटी करता है उसको मॉनेटरी कंपेंसेशन देती है अलग से। तो नियरली जो बेसिक और DA का जो पर डे का है, उस हिसाब से नियरली 1600 to 1700 ये इसके इक्विलेंट बैठता है। दूसरी मैं ग्रोथ सैलरी की बात करूँ तो 63,000, ये आप देख सकते हैं कि इतनी हैंडसम है कि आपके स्टार्टिंग के अंदर जो SSC CGL की जो जॉब है
उनकी नियरली ग्रोस सैलरी जो फर्स्ट सैलरी होती है वो नियरली जो 4600 जितनी भी ग्रेड पे की नौकरी है उनका लगभग लगभग यही रहता है। कुछ एक पोस्ट जैसे CBI और इन सब को छोड़ दें तो लगभग लगभग ग्रोस सैलरी इतनी ही होती है। इन हैंड की बात करूँ तो 56,000 होती है। इसके अंदर मैं HRA डालना भूल गया, जो 24% HRA मिलता है जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस में बोलते हैं। ये जो HRA है ये अगर जो लोग क्वार्टर लेना चाहेंगे तो उनको HRA नहीं मिलेगा, जो अगर क्वार्टर ले रहे हैं उनको तो HRA नहीं मिलेगा, जो क्वार्टर नहीं ले रखे हैं उनको 24% का, क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो टीयर 1 सिटीज है तो उसका 24% HRA है, बेसिक का 24% वो मिलेगा। ये भी नियर तो उस हिसाब से इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। दूसरी बात मैं बात करूँ कि इसके एक्सग्रेशिया यहाँ पे है दिवाली का बोनस। दिवाली का बोनस 40 डेज का, पिछले 2 साल से 40 डेज का दिवाली का बोनस मिल रहा है, लेकिन कोरोना के चलते हुए मेरे को इस साल लग रहा है कि बोनस के अंदर भी कुछ कटौती होगी। लेकिन हम बात करें तो नियरली 40 डेज के जो बेसिक पे है उस के इक्विलेंट इसका एक्सग्रेशिया होता है। ये 35,000 का अगर 40% करेंगे तो नियरली 50,000 के आसपास आपका ये आपको एक्सग्रेशिया मिल जाएगा। बर्थडे गिफ्ट की बात करें तो बर्थडे गिफ्ट जिस मंथ में आपका बर्थडे है उस मंथ के पहले पहले वाले मंथ में आपको 2,000 DMRC हर साल क्रेडिट करती है। एक जब आपकी मैरिज होती है तो आपको एक मैरिज गिफ्ट के अंदर आपको कुछ मॉनेटरी हेल्प देती है। तो DMRC अपने एम्प्लॉयों का मॉनेटरी रूप से काफ़ी ख्याल रखती है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी है, ये सब अगर फैसिलिटी की बात करें तो हम एक और वीडियो डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी इनकी मेडिकल फैसिलिटी है, आप मैक्स मेदांता इन सब में आप अपना इलाज करा सकते हैं। तीसरी बात अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन एस्पेक्ट, मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो ये कस्टमर डीलिंग की जॉब है। कस्टमर डीलिंग की जॉब में मेनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसेंजर्स के टूवर्ड्स द पैसेंजर्स होती है। इसके अंदर आपको पैसेंजर्स को असिस्ट करना पड़ेगा। असिस्ट उन पैसेंजर जैसे कि अपना ब्लाइंड पैसेंजर हो गए, अपने हैं फिजिकली हैंडीकैप पैसेंजर हो गए, उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती है तो आप कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमें, और वहाँ से फिर जो भी हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको उनके साथ असिस्ट करने के लिए भेज दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ कैसे कुछ एक जो पैसेंजर है उनके पास वैलिड टिकट्स नहीं होती तो उनके ऊपर जो भी फाइन और या जो फेयर का जो डिफरेंस होता है वो सब हम लेके और उनको एग्जिट कराते हैं। कुछ कार्ड में एरर्स होती हैं उन एरर्स को एडजस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ कहता है कुछ एक जैसे इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है, जैसे फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ट्रेन के अंदर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो इसमें हमें कंट्रोलर के साथ मिलके उनको असिस्ट करना पड़ेगा, लिफ्ट रेस्क्यू करना पड़ेगा, पैसेंजर्स को डिबोर्ड करवाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में हमें असिस्ट करना पड़ता है। इन सब की जब आप सेलेक्ट होके जाएंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि शास्त्री पार्क है वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ पे वो लोग आपको वेरियस टाइप की जो आपकी ट्रेनिंग होगी उन सब में आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको असिस्ट करना है कैसे नहीं करना। अगली बात मैं प्रमोशन का एस्पेक्ट पे बात करूँ तो प्रमोशन इसका मेरे को इतना ज़्यादा लुक्रेटिव लगा नहीं है। आपका अगला प्रमोशन 3 साल में सीनियर CRA बन जाओगे। सीनियर CRA के अंदर आपको जो SCR कम्पिटेंट, SCR होते हैं स्टेशन कंट्रोलर रूम, तो SCR कम्पिटेंट हो जाओगे। SCR कम्पिटेंट का मतलब ये है कि आप SCR में ड्यूटी करोगे इक्विवेलेंट टू कंट्रोलर। डिफरेंस ये कि है आप इंटरलॉक स्टेशन जो है उस स्टेशन के ऊपर आप ड्यूटी नहीं कर पाओगे, नॉन इंटरलॉकिंग स्टेशन पे सीनियर CRA ड्यूटी करता है। इसके लिए आपको SCR की जो ट्रेनिंग होगी वो मैंडेटरी ट्रेनिंग वो आपको पास करनी पड़ेगी। अब उसके अगला प्रमोशन आपका हेड CRA, चीफ CRA ये सब रहेगा। अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू अगर कंट्रोलर की वैकेंसी आती है तो आप कंट्रोलर का एग्जाम आप दे सकते हैं और क्वालिफाई होने के बाद आप स्टेशन कंट्रोलर बन जाओगे। तो ये इसका जो प्रमोशन एस्पेक्ट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अगर आपको कुछ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छा वीडियो